कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज जहां जगाधरी में 52 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया, वहीं यमुनानगर में रेलवे रोड आर्य समाज मंदिर के द्वारा संचालित मोहनलाल आर्य धर्मार्थ होम्योपैथिक औषधालय का भी उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने आज जगाधरी वार्ड नंबर 6 के वीरनगर में 24 लाख की लागत से बनने वाली गली और इसी तरह बसंत नगर में 28 लाख की लागत से बनने वाले गली के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। आर्य समाज लोगों को जागरूक करने वाली एक बहुत बड़ी ऐसी संस्था है। उसने आज ही नहीं, बहुत लंबे टाइम से स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो मार्गदर्शन किया इसका समाप्ता, और उसके कारण जो बहुत से अंधविश्वास थे उनको खत्म करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी दयानंद जी ने अपने ही जैसे और लोग पैदा कर दिए, केवल वो ही नहीं, उन जैसे ही स्वामी सदानंद जी और अच्छे लोग पैदा किए और जिन्होंने देश का मार्गदर्शन किया। और आज़ादी की लड़ाई में मैं समझता हूँ सबसे बड़ा योगदान है। आज भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज उन्होंने यहाँ एक जो होम्योपैथिक हॉस्पिटल खोलने की शुरुआत की, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। मैं चाहता हूँ कि वो इसी प्रकार से समाज